लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई एयरपोर्ट नामांतरण आंदोलन को एक महीना पूरा हो गया है। 15 अगस्त तक दिया गया अल्टीमेटम भी खत्म होने वाला है, लेकिन सिडको और सरकार ने अभी तक एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम दिए जाने का कोई फैसला नहीं लिया है। जाहिर है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार बाला साहब ठाकरे के नाम पर अड़ी है, इसलिए खामोश बैठी है। लेकिन प्रकल्पग्रस्त सरकार को जगाने 9 अगस्त को मशाल मार्च निकालकर नई क्रांति छेड़ने की तैयारी में है। दीबा पाटिल के सुपुत्र अतुल पाटिल चाहते हैं कि सरकार प्रकल्पग्रस्तों की भावनाओं का आदर करते हुए इस पर जल्द निर्णय ले, ताकि रक्तरंजित क्रांति की नौबत ना आने पाए। वहीं कोर कमेटी के सीनियर मेंबर दशरथ भगत ने कहा कि सरकार अंधेरे में है, उसे प्रकल्पग्रस्तों की भावना नहीं दिख रही, इसलिए सरकार को उजाला दिखाने के लिए गांव गांव में यह मशाल मार्च निकलने वाला है। दशरथ भगत ने चेतावनी दी कि यदि सरकार फिर भी नहीं सुनी तो उसे पता चल जाएगा कि प्रकल्पग्रस्त जाग गए हैं और अपने दीबा का सम्मान हासिल करके रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। अंतरराष्ट्रीय विमानतळाला ना पाटील साहेबांचं नाव कोण म्हणतात देणार नाही। जग दिबा पाटील की जन्मभूमि कर्मभूमि संघर्षभूमि है, वही जन्मभूमि से वही कर्मभूमि से और वही भूमिपुत्र के भूमि से विमान की उड़ान हो रही है और वहाँ से हमारा भी बाबा का दिबा पाटील साहब का नाम नहीं रहेगा तो हम कोई यहाँ का प्रकल्प वर्ष हो दोष नहीं सहेगा। वो को बता दिया उन्हें तुम पहले वाला ठहराव कैंसिल करो, रद्द करो और नया वाला दिबा पाटील साहब का नाम देने का ठहराव पास करो और जल्दी से जल्दी करो, अदरवाइज तुम्हारा ठीक नहीं है। सिडको को अल्टीमेटम दे दिया है 15 अगस्त तक, अगर उन्होंने नाम का फेरविचार नहीं किया तो एयरपोर्ट का पूरा काम ठप हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम दिलाने के लिए 24 जून के विशाल आंदोलन को आज एक महीना पूरा हो गया है। प्रकल्पग्रस्त संगठनों ने सिडको को 15 अगस्त तक नामांतरण करने का अल्टीमेटम दिया था, हालांकि सरकार और सिडको ने अभी तक इस पर कोई फैसला ही नहीं लिया है। जाहिर है सरकार मामले को खींचना चाहती है, लेकिन प्रकल्पग्रस्त सतर्क हैं और 9 अगस्त को मशाल मोर्चा निकालने की तैयारी में हैं। प्रकल्पग्रस्त अगस्त क्रांति दिवस पर अपने मसीहा दीबा पाटिल को नाम दिलाने के लिए नई क्रांति की शुरुआत करने वाले हैं। सूत्रों की माने तो प्रकल्पग्रस्त गाँव गाँव में मशाल जलाएंगे और सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए सड़क पर उतरने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करेंगे। समन्वय समिति के कोर मेंबर दशरथ भगत ने कहा कि मशाल मोर्चा ध्यान दिलाने की एक कोशिश है, ताकि सरकार समय रहते दीबा पाटिल का नाम देने का निर्णय ले सके। उन्होंने कहा कि अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती है तो उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि अब प्रकल्पग्रस्त जाग गए हैं और दीबा पाटिल का सम्मान हासिल करके रहेंगे। नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को दीबा पाटिल साहब का नाम देना चाहिए, ये हमारी मांग है और उस इस मांग को साकार लाने के लिए और दीबा पाटिल साहब को समर्थन देने के लिए 24 तारीख को जो बड़ा आंदोलन हुआ और वो अभी एक महीना हो चुका है और वही मीटिंग में वही आंदोलन में जो कृति समिति है, कृति समिति ने वहाँ जाहिर किया है कि जब गवर्नमेंट सरकार बात नहीं सुनते तो निर्णय नहीं दिया तो हम 16 तारीख को एयरपोर्ट बंद करेंगे, ये तो जाहिर किया है। अभी ये काउंटडाउन चालू हो चुका है और अभी तक जो हमारी जानकारी की तब से राज्य सरकार की तरफ से कुछ भी मीटिंग हो या बुलावा है या कुछ लिखित पत्र मैसेज नहीं, कुछ संदेश नहीं या उनका कुछ फोन कुछ नहीं। ये जो सरकार है ये सरकार पूरा अंधेरे में है, पूरा अंधेरा है, उनको दिख नहीं रहा आगे का कि लोगों की भावना क्या है। जो स्थानिक भूमिपुत्र है महाराष्ट्र का हो या नई मुंबई का भूमिपुत्र हो, उनका हक और अधिकार है, उनका कुछ अस्मिता है, उनकी पहचान है, वो पहचान की हक दिलाने के लिए उनका अधिकार दिलाने के लिए
वो अभी अंधेरे में पड़े हैं, वो उनको उजाला में लाने के लिए वो मशाल मार्च का आयोजन हम कर रहे हैं। बताना जरूरी है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने एयरपोर्ट पर बाला साहब ठाकरे का नामकरण प्रस्ताव मोदी सरकार को पहले ही भेज दिया है, उसे बदलना मोदी सरकार के अधीन नहीं है। जाहिर है नामांतरण चाहिए तो सिडको और सरकार को दीबा पाटिल के नाम का दूसरा प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजना होगा, जिसके लिए फिलहाल महाविकास आघाड़ी सरकार तैयार नहीं है। हालांकि दिवंगत दीबा पाटिल के सुपुत्र अतुल पाटिल को पूरी उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे सरकार प्रकल्पग्रस्तों की भावनाओं का आदर करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो दीबा को भगवान मानने वाले प्रकल्पग्रस्त रक्त रंजित क्रांति से नहीं रुकेंगे, वे अपना खून भी बहाने के लिए तैयार हैं, इसलिए इस पर जल्द निर्णय लेना ही उचित होगा। लोगों का सोचना यह है, अगर दीबा पाटिल साहब ने हमारे लिए खून दिया है, खून बहाया है, उनका खुद का खून बह चुका है, तो उनका कहना है तो चलो, अगर वो इतना बड़ा आदमी होके के बावजूद भी लोगों के लिए उन्होंने खून बहाया है तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। जो आंदोलन हुआ था वो टाइम में जो झंडे थे वो इसको रक्त रंजित झंडा कहते हैं हम, वो झंडा था। अगर उनका नाम नहीं लगता है तो बहुत से लोग ऐसा भी करते कि हम भी खून बहाने को तैयार है। हालांकि मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ न हुए, ऐसा कोई रक्त रंजित क्रांति जैसे कहते हैं रक्त रंजित आंदोलन न हुए, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें से कुछ सीखती नहीं है तो मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही आगे होगा अगर ये नाम नहीं लगता है। तो मेरी गवर्नमेंट से आपके माध्यम से विनंती है कि ऐसी कुछ परिस्थिति यहाँ नहीं आने दीजिए, जल्दी से जल्दी आप दीबा पाटिल साहब का नाम ये एयरपोर्ट के लगेगा ऐसे जाहिर कर दे। फिलहाल 15 अगस्त तक दिए गए अल्टीमेटम का काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखना होगा कि अगले 23 दिनों में उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार एयरपोर्ट नामांतरण पर कौन सा रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी1 इंडिया।